हे गाइस, दिस इज शानू, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ DIY करवा और चलनी का सेट, जिसे मैंने पुराने करवा और चलनी को डेकोरेट करके बनाया है। करवा चौथ का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है और ऐसे में मार्केट से लेना बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है, तो क्यों ना हम इसे घर पर DIY करके बनाएँ और वो भी बहुत कम पैसों में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अब मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए, सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज, आज मैं आपको करवा चौथ के लिए चलनी और करवा का डेकोरेशन सिखाऊंगी। ये मेरे पास पिछले साल का पड़ा हुआ करवा है, जिसे मैं अच्छे से डेकोरेट करके एकदम नया सा बना दूंगी। तो चलनी मैंने स्टील की ली है और करवा मैंने लिया है मिट्टी का, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ लेसेस। कई सारे तरह के लेसेस मैंने लिए हैं, कुछ पर्ल वाले लेस हैं, कुछ चौड़ी पट्टी वाले लेस हैं, कुछ तो मेरे पास पहले से थे और कुछ मैंने परचेज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी लेस ले सकते हो। इसके बाद फिर हमें चाहिए फेविकोल, और यहाँ पे मैंने कुछ स्टिकर्स लिए हैं, पर्ल वाले स्टिकर्स हैं, कुंदन वाले स्टिकर्स हैं, तो आप इसे भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने ग्लू लिया है, फैब्रिक ग्लू है ये, और मैंने लिया है कलर, मेटालिक कलर्स हैं। 3D कोन लाइनर मैंने लिया है, और इसके साथ ही मैंने सिल्वर एंड गोल्डन में ग्लिटर ट्यूब लिया है। पेंट ब्रशेस चाहिए हमें, और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ कलरफुल प्यारे प्यारे स्टोन्स कुंदन के, और मिरर मैंने लिया है दो तरह के, एक गोल है और एक डायमंड के शेप का है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना करवा हम डेकोरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने मेटालिक शेड लिया है रेड कलर में, और इसे अच्छे से करवा पे पेंट करूँगी। पानी आपको नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट ऐसे पेंट कर सकते हो। और मेटालिक शेड लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि इसमें एक बहुत ही अच्छी सी शाइन होती है, तो मैट फिनिश तो रहता नहीं और शाइन रहता है, तो इससे आपका करवा चौथ का जो सेट है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इसके बाद मैं ये कॉपर शेड ले रही हूँ, और यहाँ पे करवा के जो मुँह है वहाँ पे लगा रही हूँ, और साथ ही साथ ऊपर के साइड में इसे लगा लूँगी। बहुत ही आराम से आपको लगाना है, और बहुत इजी है ये, बिल्कुल टफ नहीं है, हर कोई कर सकता है इसे घर पे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, आप चाहें तो इसे एक दिन पहले भी बना सकते हो करवा चौथ के। तो आप देख सकते हो मैंने करवा को कर लिया है पेंट। इस तरह मैं करवा के ऊपर जो हम दियली रखते हैं उसे भी पेंट कर लेंगे। इसे करवा का ढक्कन भी बोल सकते हो आप। तो ये करवा के ऊपर रखा जाता है, इसे भी मैंने पेंट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये ऊपर के साइड मोती वाला जो लेस मैंने लिया था वो, और इसे फैब्रिक ग्लू के थ्रू लगा सकते हो आप। अगर आपके पास ग्लू गन है तो उससे भी आप लगा सकते हो, बड़े ही आराम से ये चिपक जाता है। तो आप देख सकते हो कोई भी तरह का पतला लेस आप ऊपर के साइड लगा सकते हो। तो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से अब हम नीचे के साइड ये वाला जो मैंने लिया था लेस वो लगाऊंगी, ये बहुत ही प्यारा लगता है करवा में। इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ बीच में मिरर, डायमंड शेप वाला जो मिरर था मेरे पास वो मैं लगा रही हूँ। फेविकोल से लगाने पे ना गाइस, ये थोड़ा देर से स्टिक होता है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप चाहें तो ग्लू गन से इसे स्टिक कर सकते हो, या फिर आप फेविस्टिक से करो तो ये तुरंत ही स्टिक हो जाएगा। तो नीचे के साइड मैं लगा रही हूँ ये कुंदन वाले जो स्टोन्स हैं वो। इसके बाद हम जो करवा के ऊपर दिया रखेंगे उसमें मैंने लगाया है ये स्पार्कल ट्यूब, गोल्डन कलर में है और इसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। किनारे के साइड ही मैं बस लगा रही हूँ इसको, बीच में इसके एक स्टोन चिपका देंगे, और किनारे किनारे 3D कोन लाइनर्स मैंने व्हाइट कलर का लिया है और डॉट डॉट बना दूंगी। साथ ही मैं इसके बॉर्डर्स में भी ऐसे ही डॉट डॉट बना देंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगने लगा है और बहुत ज़्यादा ईजी भी था। तो देखा आपने कितने ईजिली ये बन गया। अब मैं अपने करवा पे चिपका रही हूँ कुंदन के स्टिकर्स, और जो सीक्वेंस है उसके किनारे भी मैं 3D कोन लाइनर्स ब्लू कलर में लेके डॉट डॉट कर ले रही हूँ। अब हम चलनी को पेंट करेंगे, मेटालिक शेड सेम कलर में मैंने लिया है, और यहाँ पे मैं लेस लगाऊंगी एकदम किनारे। तो मैंने फैब्रिक ग्लू लगाया हुआ है, और ये पतला वाला जो पिंक कलर का लेस था उसे मैं अपने बॉर्डर में चलनी के लगा लूंगी कुछ इस तरह से। इसके बाद बीच में हम ये चौड़ी पट्टी वाला लेस लगाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है गोल्डन कलर में। तो इस तरह से मैंने इसे भी स्टिक कर दिया है, और अब मैं ग्लू गन से मिरर स्टिक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्लू गन से तुरंत ही स्टिक हो जाता है, फेविकोल से थोड़ा सा टाइम लेता है। बीच में मैंने पर्ल वाला जो स्टिकर था वो स्टिक कर लिया है,
इससे ये मेरा चलनी का सेट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगा और बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। सो चलनी में नीचे के साइड मैंने 3 टैसल्स लगाए हैं और इसे मैंने कैसे बनाए हैं इसको देखने के लिए आपको मेरा टैसल वॉल हैंगिंग वाला वीडियो भी देखना होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। तो देखा ना आपने कितने आसान तरीके से और कितने कम पैसों में मैंने इतना सुंदर करवा, जो कि पुराना था और मैंने उसे पेंट कर दिया और बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा कि ये पुराना करवा है। और इसी तरीके से आप थाली को भी पेंट करके और लेस लगा के बहुत ही सुंदर सा बना सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस करवा चौथ आप भी DIY करके कुछ नया सा करिएगा और अपने पुराने करवा और चलनी के सेट को खूब सुंदर सा बनाइएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।